मोदी और शी जिनपिंग अच्छे दोस्त हैं। अन्यथा कौन आपके घर में 90 दिनों तक रहता है और उसे अपना ही समझता है। चीन भारतीय क्षेत्र से पीछे हटने से इनकार कर रहा है और पेंगोंग झील में और सैनिक बल तैनात कर रहा है। फिंगर 5 और 6 पर पीएलए की कम से कम 13 नावें खड़ी हैं और टेंट भी लगे हैं। चीनी सैनिक पेंगोंग त्सो और देपसांग प्लेन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, मगर हमारे मोदी जी भी चुप नहीं बैठे और चीन को करारा जवाब दिया उसकी एप्स बैन करके। और कर भी क्या सकते हैं मोदी जी, शी जिनपिंग के साथ दोस्ती भी तो है, 18 बार मिले हैं एक दूसरे से, भाजपा के तो नेता भी चीन जाते थे शी जिनपिंग की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से ट्रेनिंग लेने के लिए, वही पार्टी जिसने हमारे 20 जवानों को शहीद करने का आदेश दिया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मोदी जी कुछ नहीं बोले। न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है। और तो और झूठ बोल दिया कि भारत में कोई आया ही नहीं। न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। जानते हो क्यों? क्योंकि मोदी जी सिर्फ अपनी सोचते हैं, देश की नहीं, वरना सच में चीन को करारा जवाब देते हैं।